अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और वो है कीमा और चने की दाल। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, कीमा और चने की दाल का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कीमा लेना है, उसको हमने डाल दिया है कुकिंग पैन के अंदर। तो ये मैंने 1 किलो कीमा लिया है, ये बीफ का कीमा है, आप कोई भी कीमा इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ, पानी जो है तकरीबन 1 लीटर है, 4 ग्लास पानी इसमें डालूंगी। और मैं इसको कुकर में नहीं बना रही क्योंकि कीमा बारीक था, मशीन का कीमा था तो ये ऐसे ही गल जाएगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप पानी कम डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिया है अदरक का पेस्ट, और 1 टेबलस्पून ही इसमें भर के डाल देना है लहसुन का पेस्ट। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें प्याज चॉप करके डाल देंगे, और प्याज मैंने 3 लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको मैंने चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब तो प्याज़ों को डालने के बाद हम बाकी चीज़ें भी इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटर, टमाटर मैं 2 डाल रही हूँ बड़े साइज़ के, और 5 या 6 आप हरी मिर्चें डाल दें इसमें चॉप करके, आप मिर्चों का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो इसमें रेड मिर्चें जाएंगी इसलिए मैंने इसमें ग्रीन मिर्चें थोड़ी कम ही रखी हैं, लेकिन लाजमी डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। और 1/2 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया है इसके अंदर नमक का, नमक बाद में इसमें हम और भी डालेंगे, अगर कम लगेगा तो हम चेक करके ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें डाला है चिली पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर आप कम खाते हैं तो कम डालें वरना ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून डाला है इसके अंदर धनिया पाउडर, क्रश किया हुआ धनिया था, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं है। तो 1/2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर ज़ीरा, और खड़े मसालों में मैं डाल रही हूँ 2-3 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, और 1 बड़ी इलायची डाली है, ये लाजमी जाती है गोश्त में, तो गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए, और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है, तो इसको लाजमी ऐड कीजिएगा। इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है किसी भी गोश्त के अंदर। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है ये चीज़ें डालने के बाद, और हमने इसको कवर करके छोड़ देना है, पकने देना है। और इसका पानी हमने बेसिकली ड्राई करना है, और थोड़ी देर के बाद हम खोल के चेक करेंगे, पानी कुछ कम हो गया है, लेकिन हम पानी बिल्कुल ही इसका ड्राई कर देंगे और बाद में इसको भून लेंगे। तो ये देखिए पानी बिल्कुल ही इसका ड्राई हो गया है, वेपरेट हो चुका है। इसके अंदर अब डालेंगे हम कुकिंग ऑयल या घी, जो भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1/3 कप जो है वो कुकिंग ऑयल लिया था, कीमे में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है ताकि ये ड्राई ना लगे हमें। तो इसको ऑयल डाल लें या घी डाल लें, जो भी आप लाइक करते हैं। तो इसको भून लेना है तकरीबन अच्छे तरीके से 5 या 7 मिनट तक। तो ये अच्छे तरीके से भून गया था, इसके अंदर मैं दाल डाल रही हूँ, और ये मैंने 1 कप दाल ली है, ये चने की दाल है, इसको भिगो दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले। और अगर आप चाहें तो टाइम सेव करने के लिए इसको आप बॉयल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं किसी वजह से इसको बॉयल नहीं कर सकी तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है। और इसको आपने मिक्स कर देना है, और इसके अंदर पानी डाल देंगे हम ताकि हमारी दाल जो है वो गल जाए। अगर आपकी बॉयल दाल आप यूज़ कर रहे हैं तो आप पानी कम डालिएगा, लेकिन मेरी वाली दाल जो थी वो कच्ची थी तो इसलिए इसमें मैंने पानी डाल दिया है तकरीबन 2 ग्लास के जितना। तो इसको हम मिक्स कर देंगे और दोबारा से कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे। जब तक हमारी दाल जो है वो गल नहीं जाती अच्छे तरीके से, तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम सी आँच पर। तो हमने इसका पानी जो है वो थोड़ा सा इसमें रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना, लेकिन चेक करते रहेंगे कि हमारी दाल अच्छे तरीके से गल जाए। तो हमने इसको फिर थोड़े 10 मिनट के बाद खोल के देखेंगे, जो तकरीबन 10-12 मिनट बाद इसको मैंने देखा है जोश आना शुरू हो गया है और पानी थोड़ा कम भी हो गया है इसमें से। और जैसे ही दाल फूलती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है, गलती है, और हमारा जो ऑयल है वो उसके ऊपर आता जा रहा है। तो ये देखिए तकरीबन हमारा जो पानी था वो काफ़ी हद तक एवेपोरेट हो गया है, बहुत ज़्यादा हम इसको ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये बाद में भी ड्राई हो जाता है। तो हमने इसमें डाल दिया है गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून जितना। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसमें डालूंगी मैं धनिया, जो फ्रेश धनिया होता है उसको धो के रखा हुआ था काट के, वो डाल देंगे बहुत ही अच्छी सी खुशबू के लिए। और फाइनली इसमें डालेंगे हम मेथी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू और टेस्ट देगी, तो मेथी ज़रूर डालिएगा इसमें। तकरीबन 2 टेबलस्पून जितनी जो है वो मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। इसको डालने के बाद मिक्स करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी ज़बरदस्त है, ना बहुत ज़्यादा ड्राई है और ना बहुत ज़्यादा ये पतला है, तो बहुत ही टेस्टी ये बनती है इस तरीके से। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त था, हमारा जो कीमा है वो चने की दाल के साथ बन के रेडी हुआ है।
तो इसको इसके कलर से और लुक से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप ज़रूर बना के इसको देखिएगा, बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ईजी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।